वेलकम फ्रेंड वंस अगेन टू माय चैनल ZBC बायोलॉजी ऑनलाइन। तो आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में। मेल गैमेटोफाइट जो है तो उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है, आसान और इजी तरीके से समझेंगे। ओके, तो वीडियो जो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना और हाँ, वीडियो के बाद कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है वो हमें स्टडी करना है। तो ये है हमारा टॉपिक, ठीक है। टॉपिक बहुत ही आसान है और इजी है समझने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल जो होती है वो होती है पोलन ग्रेन। तो सपोज ये डायग्राम है पोलन ग्रेन की, ओके। अब यहाँ पे जर्म पोर दिखा देते हैं। तो सपोज ये पार्ट है जर्म पोर का, करेक्ट। तो इसको लेबल कर लो, ये है बाहर की लेयर पोलन ग्रेन्स की जिसे हम कहते हैं एग्जाइन, और ये है अंदर की लेयर जिसे कहा जाता है इंटाइन। जहाँ पे एग्जाइन लेयर अब्सेंट होती है उस पार्ट को कहा जाता है जर्म पोर, करेक्ट। अब यहाँ पे इंटाइन लेयर के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये है सपोज पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस, ओके। अब फर्स्ट सेल तो हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे कौन है ये पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन को फर्स्ट सेल कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट की। तो अब हमें पोलन ग्रेन से फॉर्म करना है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो अब फॉर्म कैसे होता है देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी फर्स्ट प्रोसेस जिसे कहा जाता है माइटोसिस फर्स्ट। अब जब माइटोसिस होता है तो पोलन ग्रेन के भीतर ये जो पार्ट है जो है पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन के भीतर पहले हम यहाँ पे, तो पहले यहाँ पे हम जर्म पोर दिखा देते हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियस और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो जब पोलन ग्रेन माइटोसिस फर्स्ट में जाएगा तब पोलन ग्रेन के भीतर दो सेल्स फॉर्म हो जाती है। कितनी सेल्स फॉर्म होती है, दो। एक सेल होती है स्मॉल ये, और एक सेल होती है लार्ज ये वाली, ठीक है। तो हर एक सेल को खुद का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म भी होगा, ठीक है। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म हर एक सेल का। तो अब इन दोनों सेल का नाम क्या है, तो फर्स्ट सेल का नाम है जो बड़ी होती है उसे कहा जाता है वेजिटेटिव सेल, और आप इसे ट्यूब सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो सेल होती है वो छोटी होती है उसे कहा जाता है जनरेटिव सेल। कौन सी सेल है ये, जनरेटिव सेल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, यहाँ पे वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, उसके साथ साथ उसका जो न्यूक्लियस होता है उसकी साइज भी बड़ी होती है, फूड वैक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और साइटोप्लाज्म भी लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। अगर हम बात करें जनरेटिव सेल की, तो जनरेटिव सेल में न्यूक्लियस बड़ा होता है लेकिन फूड वैक्यूल्स और बाकी की जो पार्ट्स होता है मतलब साइटोप्लाज्म जो है तो वो कम होता है, ठीक है। अब ये जो स्टेज है इसमें पोलन ग्रेन के भीतर कितनी सेल फॉर्म हुई है, दो सेल। तो इस स्टेज को कहा जाता है टू सेल स्टेज। कौन सा पार्ट है ये और कौन सी स्टेज है, टू सेल स्टेज, ओके। अब बात करते हैं कि इसके आगे क्या होगा, ठीक है।
तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि जब पोलन ग्रेन के भीतर दो सेल्स फॉर्म हो जाती है तभी पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है, ओके। लेकिन कभी कभी पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन 3 सेल्ड स्टेज के बाद होता है, ठीक है। तो कभी कभी 2 सेल स्टेज के बाद पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और कभी कभी 3 सेल्ड स्टेज में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब समझ लो कि यहाँ पे हम इमेजिंग करेंगे कि अभी पोलन ग्रेन का पॉलिनेशन होगा, तो पॉलिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन कहाँ पे गिरेगा? स्टिग्मा पे। तो देखो यहाँ पे, तो सपोज ये है कौन सा पार्ट? गायनोशियम का पार्ट, ओके। यहाँ पे इमेजिनरी डायग्राम निकालेंगे सिर्फ हमें अंडरस्टैंड होने के लिए। तो सपोज ये कार्पेल है और यहाँ पे पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट हो जाएंगे ऊपर के पार्ट पे, ठीक है। तो ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट है स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन्स कहाँ पे डिपॉजिट हुए? तो ये कौन है? ये है पोलन ग्रेन्स, करेक्ट। तो पोलन ग्रेन कहाँ पे डिपॉजिट हुए? स्टिग्मा पे। ये पार्ट कौन सा है? मिडल पार्ट। इसे कहा जाता है स्टाइल, और ये जो पार्ट होता है ये होता है ओवरी, करेक्ट। तो अब क्या होगा? ओवरी के भीतर प्रेजेंट होता है ओयूल। ओवरी के भीतर क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी के भीतर होता है ओयूल। तो समझ लो ये ओयूल है, ठीक है। अब क्या है, पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे गिरेगा तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे स्टिग्मा से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा, ओके। और यहाँ पे फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने के बाद वो ट्यूब के फॉर्म में इंटाइन लेयर बाहर भेजेगा। तो जब इंटाइन लेयर बाहर आएगी तो वो ट्यूब के फॉर्म में होती है, उसे पोलन ट्यूब कहा जाता है, ठीक है। तो अब आगे जो स्टेजेस है वो कब होगी? आफ्टर पॉलिनेशन, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो सपोज यहाँ पे देखो, ये है हमारा पोलन ग्रेन, बाहर की लेयर एक्साइन, अंदर की लेयर कौन सी होती है? इंटाइन। यहाँ पे कौन होता है प्रेजेंट? जर्म पोर, करेक्ट। उसके अंदर, पोलन ग्रेन्स के अंदर कितनी सेल थी? 2 सेल। लार्जर सेल को कहा जाता है वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर सेल को कहा जाता है जनरेटिव सेल, ठीक है। अब क्या होगा, जब पोलन ग्रेन, समझ लो कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट होने के बाद पोलन ग्रेन क्या करेगा? पोलन ग्रेन स्टिग्मा से फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा। तो जैसे जैसे पोलन ग्रेन फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा तो ये जो अंदर की इंटाइन लेयर है इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और इंटाइन लेयर का वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, इंटाइन लेयर ट्यूब के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। इस तरह से इंटाइन लेयर कम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, और ये जो ट्यूब है इंटाइन लेयर की, इसे कहा जाता है पोलन ट्यूब। और ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि पोलन ट्यूब कौन से डायरेक्शन में ग्रो हो रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो कब इंटाइन लेयर बाहर आई? जब पोलन ग्रेन ने फूड एब्जॉर्ब किया तब इंटाइन लेयर बाहर आई जर्म पोर के थ्रू, कौन से फॉर्म में? पोलन ट्यूब के फॉर्म में, ठीक है। अब आगे क्या होगा, तो समझ लो यहां पे नेक्स्ट स्टेज क्या होगी। तो ये जो पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन दिखा देते पहले, ये है सपोज पोलन ग्रेन, बाहर की एक्साइन लेयर, अंदर की इंटाइन लेयर, करेक्ट। यहां पे है सपोज जर्म पोर का पार्ट, और यहां पे क्या हुआ था फर्स्ट स्टेज में? पोलन ट्यूब बाहर आ गई थी, ओके। तो ये पोलन ट्यूब है। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 सेल थी, करेक्ट ना, एक थी वेजिटेटिव सेल, दूसरी थी जनरेटिव सेल, और उन दोनों सेल का क्या था? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे क्या होगा इस स्टेप में, ये जो वेजिटेटिव सेल है और जिसे ट्यूब सेल भी कहा जाता है, कौन सी सेल? ट्यूब सेल। और ये है सपोज जनरेटिव सेल। तो अब होगा क्या, तो ट्यूब सेल का ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहां से शिफ्ट हो जाएगा यहां पे, तो ये आ गया ट्यूब न्यूक्लियस। तो ये कौन है? ट्यूब सेल का न्यूक्लियस, जिसे कहा जाता है ट्यूब न्यूक्लियस, ओके। उसके बाद ये जो साइटोप्लाज्म है दोनों सेल का, वो भी चला जाता है यहां पे,
पोलन ट्यूब में, ठीक है, साइटोप्लाज्म भी चला गया है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या होगा, ये है सपोज बाहर की एक्साइन लेयर और ये है सपोज इंटाइन लेयर, करेक्ट। तो यहां पे क्या होगा, इस प्रोसेस को माइटोसिस सेकंड कहा जाता है, मैं आपको बता देता हूं कैसे। तो ये है बाहर की एक्साइन और अंदर की है इंटाइन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेप में ट्यूब न्यूक्लियस पोलियन ट्यूब में चला गया था और टीप पे जाके अरेंज हुआ था। तो ये है सपोज कौन सा न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, करेक्ट। अब क्या होगा, ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे पीछे कौन चला गया था, यहाँ पे चला गया था साइटोप्लाज्म। तो ये है सपोज साइटोप्लाज्म का पार्ट, करेक्ट। अब क्या होगा, ये जो साइटोप्लाज्म है जनरेटिव सेल का और न्यूक्लियस, ये दोनों पार्ट कहाँ पे जाएंगे, तो ये दोनों पार्ट चले जाते हैं पोलन ट्यूब में। तो सपोज यहाँ पे आता है जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, तो ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है सपोज। तो ये न्यूक्लियस जब पोलन ट्यूब के भीतर आता है, कौन सी ट्यूब है ये, इस ट्यूब को कहा जाता है पोलन ट्यूब, ओके। और पोलन ट्यूब में फिलहाल कौन आ चुका है, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस विथ साइटोप्लाज्म, ये आ चुका है। तो ये जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ये यहाँ पे आने के बाद माइटोसिस में जाता है और ये फॉर्म करता है दो मेल गैमेट्स। जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस से क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पे दो मेल गैमेट्स फॉर्म हुए यहाँ पे, तो इन्हीं नाम दे दो, ये है मेल गैमेट्स। और हर एक मेल गैमेट जो होता है वो हैप्लॉयड होता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले ट्यूब न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, जब पोलन ट्यूब के भीतर ट्यूब न्यूक्लियस, बहुत सारा साइटोप्लाज्म और दो मेल गैमेट हो, तो उस पूरे पार्ट को कहा जाता है मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट की डेफिनेशन क्या है, एक बार इसे नोट डाउन कर लेते हैं, मेल गैमेटोफाइट। तो क्या है डेफिनेशन, व्हेन पोलन ट्यूब कंटेन वन ट्यूब न्यूक्लियस, लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड टू मेल गैमेट्स, द प्रोसेस और द स्ट्रक्चर इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। तो हमने पोलन ग्रेन से क्या बनाया यहाँ पे, तो हमने पोलन ग्रेन से यहाँ पे फॉर्म कर दिया मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं समरी, और वो भी इंग्लिश में। और हाँ, समरी बताने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेल गैमेटोफाइट जो फॉर्म होता है वो कितनी स्टेजेस में फॉर्म होता है, वो फॉर्म होता है दो स्टेजेस में, बिफोर पॉलिनेशन, कुछ जो डेवलपमेंट है वो पॉलिनेशन से पहले हो जाएगी। तो पॉलिनेशन से पहले ये डेवलपमेंट कहाँ पे होगी, एंथर में, और यहाँ से आगे ये जो डायग्राम्स है, मतलब ये जो स्टेजेस है, ये कहाँ पे होती है, ये होती है आफ्टर पॉलिनेशन, और कौन से पार्ट पे होती है, स्टिग्मा पे। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट इज टेक प्लेस इन टू स्टेजेस, बिफोर पॉलिनेशन इन एंथर एंड आफ्टर पॉलिनेशन ऑन द सर्फेस ऑफ स्टिग्मा, ओके। उसके बाद ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि डेवलपमेंट के वक्त कितनी बार माइटोसिस हुआ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ माइटोसिस फर्स्ट और यहाँ पे हुआ माइटोसिस सेकंड, मतलब मेल गैमेटोफाइट फॉर्म होते वक्त माइटोसिस दो बार होता है, ठीक है। अब जान लेते हैं पूरी समरी। सो द नेम ऑफ टॉपिक इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ओके। द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट इज नोन एज पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन कंटेन आउटर एक्साइन लेयर, इनर इंटाइन लेयर। इनसाइड द इंटाइन लेयर लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट अलॉन्ग विथ न्यूक्लियस, ओके। द पार्ट वेयर एक्साइन लेयर इज अब्सेंट, द पार्ट इज कॉल्ड एज जर्म पोर, ओके। नेक्स्ट, व्हेन पोलन ग्रेन अंडरगो माइटोसिस फर्स्ट इट प्रोड्यूस टू अनइक्वल सेल्स, वन सेल इज लार्जर नोन एज वेजिटेटिव सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूब सेल, एंड अनदर सेल इज स्मॉलर नोन एज जनरेटिव सेल, ओके। वेजिटेटिव सेल हैव लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म,
फूड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस इज ऑल्सो लार्ज बट जनरेटिव सेल हैव ओनली लार्ज न्यूक्लियस बट साइटोप्लाज्म एंड फूड वैक्यूल इज वेरी लेस. ओके दे नेक्स्ट एंड ड्यूरिंग दिस कंडीशन टू सेल्स आर प्रेजेंट इन साइड द पोलन ग्रेन हिंस इट इज कॉल्ड एज टू सेल्ड स्टेज. ओके ड्यूरिंग दिस टाइम पॉलिनेशन इज ऑकर्ड एंड ड्यू टू पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स डिपॉजिटेड ऑन स्टिग्मा. ओके नाउ द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इज टेक प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ स्टिग्मा. ओके व्हेन पोलन ग्रेन्स डिपॉजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ स्टिग्मा देन पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब फूड मटेरियल देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ इंटाइन लेयर इज इंक्रीज एंड इंटाइन लेयर कम आउटसाइड थ्रू जर्म पोर इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब. करेक्ट नेक्स्ट व्हेन पोलन ट्यूब ग्रोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन देन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूब न्यूक्लियस ट्रांसफर एंड अरेंज एट द टिप ऑफ पोलन ट्यूब. ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्यूब न्यूक्लियस. After that, cytoplasm also transfer into the pollen tube. Okay, and at the last step, generative cell nucleus also transfer into the pollen tube. Okay, now when generative cell nucleus transfer into the pollen tube, it undergo mitosis second and produce two male gametes. This thing is very important. When generative cell transfer into the pollen tube, it undergo mitosis second. Okay, and it produce two male gametes. And when pollen tube contain three parts, first tube nucleus, then cytoplasm and two male gametes, the overall structure is known as male gametophyte. So this is the overall summary of male gametophyte. How many times mitosis take place? Mitosis take place in two times, mitosis first and mitosis second. And development of male gametophyte is take place in two stages, before pollination and after pollination. Before pollination in anther and after pollination on the surface of stigma. Okay, so this is the overall summary of male gametophyte development. So friends, I hope ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना. ओके और हाँ, वीडियो के नीचे आपको वीडियो के रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट डिफिकल्टी है और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. ओके अगर आपको इसी तरह के और यूजफुल वीडियो देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए. ओके और हाँ, वीडियो जो है तो शेयर ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना. ओके वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच.